बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंधी रली सिंधी लिबास। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में अपने अपने प्यारों के साथ। अमीन सुम्मा अमीन। आज का टॉपिक है जी सिंधी, गुजराती, बलोची एंड इंडियन हैंड एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस डिज़ाइन आइडियाज़। ये कुछ मिरर वर्क हैं, कुछ थ्रेड से की गई एम्ब्रॉयडरी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कई नामों से ये एम्ब्रॉयडरी जानी जाती है। आप इसे सिंधी भी कह सकते हैं, बलोची भी कह सकते हैं, कोई या फिर गुजराती एंड इंडियन भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइंस हैं। सो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी डिज़ाइन मिस ना हो। इस तरह की ड्रेसेस बहुत ही फैशन में इन हैं आजकल, बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे फिर वो कॉटन हो, जॉर्जेट हो या फिर सिल्क हो। फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं, कलर आप कोई भी चूज़ कर सकती हैं। इस तरह के ड्रेसेस आप अगर आप ख़ुद बनाना जानती हैं तो ख़ुद भी बना सकती हैं या फिर बाय भी कर सकती हैं। इस तरह की ड्रेसेस मार्केट से भी ईज़िली मिल जाती हैं एंड ऑनलाइन भी आजकल मिल जाती हैं। सो मेरा काम था मैं आपके साथ इस तरह की डिज़ाइन शेयर करूं। होप वीडियो पसंद आएगी, होप वीडियो अच्छी लगेगी, डिज़ाइंस पसंद आएंगी। मिरर वर्क भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मिरर का काम भी बहुत प्यारा लगता है ड्रेसेस पे एंड इस तरह थ्रेड का काम भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे तो भाई सारे ही डिज़ाइंस बहुत ही पसंद आए, सारे ही कलर्स बहुत ही प्यारे हैं। आप मल्टी कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये वाला ड्रेस तो भाई मेरा फेवरेट है, बहुत ही प्यारा है। सो आज भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। आज की अच्छी बात ये है कि कभी भी मायूस मत हों, कभी भी ना उम्मीद मत हों। अगर आप किसी बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं, अगर आप किसी दुख से तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में आप अकेले ही हैं जो इतने दुखों से इतनी तकलीफ़ों से गुज़र रहा है। इस दुनिया में बहुत बहुत से लोग हैं जो कि तकलीफ़ हमसे ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, हमसे ज़्यादा दुखी हैं। कभी भी मायूस मत हों, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ने आपके हक़ में, अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा है अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। एंड बुरा वक्त सारी उम्र साथ नहीं चलता, अच्छा वक्त भी आएगा। सो अल्लाह के साथ रुजू करें, अल्लाह को बताएं, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, अल्लाह ने चाहा तो बुरा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। बस पॉजिटिव रहें, दूसरों का अच्छा सोचें, अपना अच्छा आपका खुद ही हो जाएगा। दूसरों का अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में अच्छी अच्छी सोच रखें, किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचें, नेगेटिव मत सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें करें। इस तरह से आपकी सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा। बस अल्लाह से ना उम्मीद मत हों, अल्लाह से मायूस मत हों। अल्लाह ने चाहा तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो मुकद्दर भी बदल जाएगा। अगर पूरी दुनिया भी आपका बुरा करने के लिए इकट्ठी हो जाए तब भी आपका बुरा नहीं कर सकती जब तक अल्लाह नहीं चाहते। अगर आपके नसीब में कोई दुख है, तकलीफ़ है, आ गई है, कोई बात नहीं, चली जाएगी। सारी उम्र दुख तकलीफ़ भी साथ नहीं चलते। सो ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।